नमस्कार, आपका राशन आपका अधिकार कालाबाजारी के समूल उन्मूलन के लिए अभियान 19 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक उचित मूल्य दुकान पर आधार कार्ड ले जाकर सभी परिवार के सभी सदस्यों का निःशुल्क EKYC सत्यापन कराएं। बुजुर्ग, दिव्यांग और अशक्त व्यक्तियों का EKYC सत्यापन घर पर पहुंचकर करने की निःशुल्क सुविधा। EKYC सत्यापन होने पर वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC के तहत समूचे देश में किसी भी शासकीय उचित मूल्य दुकान के से राशन प्राप्त करने की सुविधा। EKYC सत्यापन अपनी सुविधानुसार देश के किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त करने का एकमात्र आसान उपाय। राशन प्राप्त न होने का सही मात्रा में न मिलने पर शिकायत CM हेल्पलाइन 181 पर दर्ज कराएं। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्य प्रदेश शासन। उपभोक्ता अपना राशन समय पर प्राप्त कर लिया करे, अन्यथा अगले माह वह राशन लॉप्स हो जाएगा। शाहू मूल्य दुकान, हरपई, कोड नंबर 0609018। धन्यवाद। नमस्कार। पेंशन आरक्षण के भरोसे न रहे दिव्यांग दीपा। हितेश सिंह, लखनऊ। 36 साल की उम्र में 3 ट्यूमर सर्जरी, 5 ऑपरेशन और 200 टाके। 26 साल से व्हीलचेयर पर। जिंदगी पैरा ओलंपियन डॉक्टर दीपा मलिक की यह कहानी आपकी सहानुभूति नहीं बल्कि खुद को प्रोत्साहित करने के एक काम आएगी। शरीर का निचला हिस्सा सुन होने के बावजूद दीपा ने दुनिया भर में तिरंगा फहराया। राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता में लखनऊ पहुंची। पद्मश्री डॉक्टर दीपा मलिक ने दैनंदिन जागरण से विशेष बातचीत में कहा कि किसी भी दिव्यांग खिलाड़ी को पेंशन और आरक्षण के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अब तो सरकार दिव्यांगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, पर आप भाग्य और सरकार पर निर्भर न रहे, खुद की मेहनत और जज्बे से आगे बढ़े। जब आप सफल हो जाएंगे तो मदद के लिए लाखों लोग खड़े रहेंगे। दीपा की बेटी भी राष्ट्रीय पैरा एथलीट, राजस्थान की बेटी दीपा मलिक कहती है कि रीढ़ में ट्यूमर के कारण 3 सर्जरी, 5 ऑपरेशन किए गए, जिसके लिए कमर और पांव के बीच करीब 200 टाके लगे थे। वह बताती है कि जिस समय ट्यूमर से जंग लड़ रही थी, उसी समय पति विक्रम सिंह कारगिल में जंग लड़ रहे थे। दीपा ने 36 साल की उम्र में अपने खेल की शुरुआत की थी। उन्हें शॉटपुट के अलावा भी कई गेम्स में महारत हासिल है। दीपा की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी देविका भी राष्ट्रीय स्तर की पैरा एथलीट है। विशेष बातचीत दीपा मलिक, जागरण। एडवेंचर स्पोर्ट्स की तैयारी। दीपा ने अब एडवेंचर स्पोर्ट्स में समुद्र पार करने की ठानी है। मालदीव में उन्होंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। उन्होंने दिव्यांगों के लिए एक संस्था विलिंग हॉपिंग नेस बनाई है।
जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाओं बच्चों को पढ़ाई से लेकर खेल में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। दीपा को हाल ही में यूपी सरकार ने दिव्यांग बोर्ड की राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया है। धन्यवाद। नमस्कार। भारतीय दिव्यांग संघ, अपनों का हाथ चाहिए, दया नहीं साथ चाहिए। मोबाइल नंबर 6375893621। ईमेल भारतीय दिव्यांग संघ @gmail.com। विश्व दिव्यांग दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम राष्ट्रीय सलाहकार समिति वेनु जवाहर कला केंद्र, डेट 2 दिसंबर 2022, टाइम दोपहर 12:15 से, सांस्कृतिक एवं सम्मान समारोह। धन्यवाद।